गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है सांख्यिकी का आधार अध्याय आपका आंकड़ों के बारे में का बंटन एवं चित्र द्वारा प्रदर्शन, यानी आंकड़े क्या है, आंकड़ों को कितने टाइप में बांटा गया है और आंकड़ों को कितने टाइप में बांटा गया है। दूसरी बात, आंकड़ों को कितने टाइप में बांटा गया है और आंकड़ों का चित्र रूप के द्वारा किस प्रकार से प्रदर्शन किया जाता है। सबसे पहले जानेंगे हम आंकड़े किसे, ठीक है, आंकड़े किसे कहते हैं। इस संबंध में जानने के लिए सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए इकट्ठा की गई सूचनाएं आंकड़े कहते हैं। यानी कोई इंफॉर्मेशन, बहुत सारी कोई जानकारी इकट्ठी की किसी उद्देश्य के लिए और इकट्ठी की गई जानकारियों को, जैसे आपके क्लास में फर्स्ट डिवीजन में पास होने वाले बच्चों का की जानकारी करनी है कितने, तो आपकी क्लास के बच्चों के जो प्राप्तांकों को मैंने कलेक्ट किया, एग्जाम के प्राप्तांकों को कलेक्ट किया गया है, उनको ही हम आंकड़े कहते हैं। क्योंकि उनसे कोई वांछनीय सूचना प्राप्त कर सके, कोई उद्देश्य वाली सूचना प्राप्त कर सके, जिससे हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। पहले आंकड़ों को दो प्रकार से बांटा गया। पहला अवर्गीकरण। अवर्गीकरण का आंकड़ों से मतलब है कि अवर्गीकरण का आंकड़ों से मतलब है कि इनका कोई सिस्टमेटिक रूप नहीं होता, यानी कोई व्यवस्थित रूप नहीं है। वो जिस रूप में है, प्रारंभिक जिस रूप में हो, उसी रूप में उन आंकड़ों को स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे बात करते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कोई आंकड़ों को समूह दिया गया है 3, 6, 4, 2, 1, 3, 4, ठीक है। अब ये देखो 3, 6, 4, 2, 1, 3, 4, इनका कोई निश्चित रूप है न आरोही क्रम में, न अवरोही क्रम में, यानी न तो भक्ति क्रम में, न भर्ती क्रम में, न किसी भी रूप से किसी तरीके से व्यवस्थित नहीं। तो इस प्रकार का, यानी जो इस प्रकार के जो आंकड़े हैं उनको हम अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं, जिनका कोई कॉमन नहीं। वर्गीकृत आंकड़े, यानी बात करें अब सेकंड टाइप की वर्गीकृत आंकड़ों की, तो वर्गीकृत आंकड़े हमारे जो होते हैं वो होते हैं, वर्गीकृत आंकड़ों की बात करें तो इस प्रकार के आंकड़े जिनकी सहायता से, यानी उन आंकड़ों की सहायता नहीं, वो आंकड़े जो एक सिस्टमेटिक रूप में, यानी व्यवस्थित रूप में उपलब्ध है, व्यवस्थित रूप में उपलब्ध है, तो इस प्रकार के आंकड़ों को हम क्या बोलेंगे, वर्गीकृत आंकड़े। क्लियर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जो भी आंकड़े दे रखे हो, इस प्रकार के आंकड़ों को व्यवस्थित आंकड़े या वर्गीकृत, यानी आपने जाना किस आंकड़े क्या होते हैं, यानी किसी निश्चित उद्देश्य के लिए इकट्ठा की गई सूचनाओं को ही आंकड़े कहते हैं, यानी डेटा कहते हैं, जो जानकारी हमने एकत्रित की है उस जानकारी को हम डेटा कहते हैं, ठीक। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, अवर्गीकरण आंकड़े और दूसरा वर्गीकरण। अवर्गीकरण आंकड़ों का कोई निश्चित रूप नहीं होता है, वो किसी भी प्रारंभिक फॉर्म में जिस फॉर्म में हम कलेक्ट करते हैं उसी फॉर्म में होते हैं, वो कोई व्यवस्थित रूप से एकत्रित नहीं। सेकंड बात करते हैं इसकी, यानी अब वर्गीकरण आंकड़ों की, वर्गीकरण आंकड़े या तो आरोही क्रम में व्यवस्थित होंगे या अवरोही क्रम, यानी या तो भर्ती क्रम में होंगे, जैसे ये कौन सा क्रम है, आरोही क्रम, यानी बढ़ रहा है, ठीक है, और अवरोही क्रम घटते क्रम में, जैसे मैं कहूँ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। इस प्रकार का जो क्रम होगा वो उस क्रम को बोलेंगे हम आरोही क्रम, वो सॉरी अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, यानी या तो इस रूप में भी हो सकता है आंकड़े या इस रूप में भी हो, तो इस प्रकार के आंकड़े जो होंगे हमारे वो आंकड़े होंगे वर्गीकृत। आप इसे नोट कीजिए।
चलिए अब बात करते हैं हम, ये आपने हमने दो प्रकार के बता दिया, अब आंकड़ों को हम क्रमगत रूप से व्यवस्थित रूप से किस प्रकार से लगाते हैं, यानी उनका टेबलेशन किस प्रकार से करते हैं, सारणीबद्ध आंकड़ों को हम किस प्रकार से करते हैं उनके, ठीक है। उससे पहले हमें जानना होगा आंकड़ों का प्रसार क्या है, आंकड़ों की रेंज क्या है, ये सारी चीजों को जानने के लिए तब बात करेंगे हम दैनिक। चलिए अब जैसे आपको कोई आंकड़े दिया जाए और कहा जाए इनको सारणीबद्ध कीजिए, इनको टेबुलेशन कीजिए, तो उसका टेबुलेशन करने के लिए सबसे पहले यानी सिस्टमैटिक रूप से कोई वर्ग अंतराल कुछ नहीं बनाना हो तब सिंपल आंकड़े दिए गए हों, जैसे कोई आंकड़े दिए गए आपको एक दो तीन चार बन सकते हैं। चार पांच छह ठीक है, सात आठ एक तीन दो तीन पांच छह तीन दो एक ठीक है, आठ आठ तीन चार 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 पांच चार तीन। अब ये देखिए ये आंकड़े दिए गए हैं और इस आंकड़ों को सबसे पहले अब आपसे कहा जाए इन आंकड़ों को टेबलेशन दीजिए यानी सारणीबद्ध कीजिए, तो सबसे पहले इन आंकड़ों को सारणीबद्ध करने के लिए सबसे पहले मैं इन आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में लगाऊंगा यानी एक सिस्टमेटिक रूप में लगाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जमाते हैं और देखते हैं, यानी किसी भी क्रम में जमा लीजिए, आरोही क्रम में जमा लीजिए चाहे आरोही क्रम में, चलो आरोही क्रम में जमाते हैं यानी पत्तियों के क्रम में जमाते हैं, ठीक है। पहले इस आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं, एक देखिए कितनी बार आया, एक दो तीन तीन बार आया, वन टू थ्री ठीक है। अब दो कितनी बार आया, दो दो तो तीन बार आया, एक दो तीन दो भी कितनी बार आया, तीन बार आया, ठीक है। अब देखते हैं तीन, एक दो तीन चार, तीन कितनी बार आया, चार बार, ओ सॉरी तीन तीन सॉरी साइड दिख रहा था मैं, एक दो 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 तीन 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 ठीक है। अब देखते हैं तीन के बाद चार, एक दो तीन चार पांच छह, चार आया है आपका छह, एक दो तीन चार पांच छह ठीक, यानी चार कितनी बार आया है, छह बार। अब इसके बाद बात करते हैं पांच, एक दो और तीन, पांच आया है तीन बार, एक दो और तीन, पांच तीन बार आया है। अब छह काउंट करते हैं, एक दो छह आया है हमारा दो, छह हमारा आया है दो। अब देखिए छह के बाद सात काउंट करते हैं, सात हमारा आया है एक, और आठ काउंट करते हैं तो आठ आए हैं हमारे दो। अब ये देखिए ये व्यवस्थित क्रम है, अब चाहे तो अब
व्यवस्थित रूप से भी टैंक चिन्ह में परिवर्तित कर सकते हैं, पर आपको अलग अलग काउंट करके वो लिखना पड़ेगा। देखिए मैं लिखता हूं, जैसे अब मैं साड़ी बना रहा हूं, तो यहां पे मैं लिखूंगा पहले प्राप्तांक, प्राप्तांक के बाद उसकी प्राप्तांक, फिर उसके बाद आएगा मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, फिर उसके बाद आएगा बारंबार, बारंबार, बारंबार तो स्मॉल एफ से प्राप्तांक। देखिए मिलांचन यानी क्या लिखे, प्राप्तांक यानी जो हमने डेटा दिया है, बारंबारता एफ यानी स्मॉल एफ यानी उनकी आवृत्ति, उनकी आवृत्ति कितनी है, यानी बारंबारता जो होती है तो नंबर की, किसी भी एक नंबर की, जैसे मैं बात करूं एक की, एक की कितनी बार आवृत्ति है, बारंबारता यानी बार बार आई वो कितनी बार आएगा, इसको जानकारी देने के लिए हम बात करते हैं बारंबारता। ठीक है, तो जैसे मैंने चार्ट किया टेंशन एक दो तीन चार पांच छ सात, एक मिनट नीचे तक आ नहीं रहा है, आपको सो नहीं होगा, फिर एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ। ठीक है, अब देखिए अब एक की बात करते हैं, एक दो तीन, एक कितनी बार आया है तीन, तो मैं सब तीन आठ खड़ी लाइन है, तीन खींचता हूं यानी एक कितनी बार आया है तीन बार आया है, और तीन यानी इसकी बार बार तक कितनी होगी तीन। ठीक है, जैसे दो कितनी बार आया, एक दो तीन, यानी दो कितनी बार आया, मैं तीन खड़ी लाइन है खींचूंगा तीन, और दो भी कितनी बार आ गया तीन। ठीक है, अब मैं बात करता हूं तीन, तीन कितनी बार आया, एक दो तीन, यानी तीन ही तीन बार आया है, एक दो तीन सॉरी तीन चार बार आया है, एक दो ओ सॉरी एक दो तीन, तीन चार पांच, पांच बार तीन आया है, हमने रॉन्ग लिख दिया था। ठीक, तो पांच बार तीन आया है, तो बस एक दो तीन चार यानी और पांच, पांच लिखने के लिए याद करना कि चार खड़ी लाइन है, ऐसा है कि इनको पढ़ने की सरलता बनाने के लिए इस प्रकार के पांच पांच के समूह बनाए गए, क्योंकि अगर लाइन करते जाएंगे करते जाएंगे कोई नंबर लाइन अगर हमसे मिस हो गई तो हम उसमें गलती कर सकते हैं, और लोगों में इसलिए उसको और सूक्ष्म रूप बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए पांच पांच की जोड़ बनाएंगे, यानी चार लाइन खड़ी करके खाली कर देंगे तो पांच का जोड़ा बन जाएगा, उसके बाद छठवां स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट उसके बाद इसी प्रकार से लाइन पीछे छह लिखेंगे, जैसे छह लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, सात लिखना होगा तो एक और कर देंगे, आठ लिखना होगा तो एक और कर देंगे, नौ लिखना होगा तो एक और कर देंगे, और दस लिखना होगा तो फिर ऐसे करेंगे, इसलिए इसमें पांच है तो पांच लिखेंगे। ठीक, अब बात करते हैं हम चार, चार कितनी बार आया, एक दो तीन चार पांच छह, चार कितनी बार आया छह बार, तो देखिए एक दो तीन चार, चार पांच छह, अब देखिए तीन कितनी बार आया था पांच बार आया था, और चार कितनी बार आया छह, यानी तीन की बार बार तक पांच थी और चार की कितनी हो गई छह। अब बात करते हैं पांच, पांच कितनी बार आया, एक दो तीन, तो एक एक दो तीन और उसकी बारंबारता हो गई तीन। ठीक, ऐसे ही बात करते हैं छह की, तो छह की बात करने के लिए हम देखते हैं छह कितनी बार आया, दो बार, छह दो बार आया तो दो मिलान चिन्ह खींचेंगे और उसकी बारंबारता हो गई दो। ठीक है, अब ये देखिए सात कितनी बार आया, सात आया है ठीक है, अब देखिए सात कितनी बार आया, सात के बारे में देखते हैं, ठीक है, यानी सात के बारे में देखते हैं,
साल कितनी बार आया, सात पर मेरा आया एक बार, तो इसकी बाल मात्रा हो गई एक। अब ग्राम से ले जाए बाल मात्रा कितनी होगी एक। ठीक, अब आज देखते हैं आज कितनी बार आया, आज आया है एक दो, दो बार आठ आया है, इसलिए इसकी आठ यानी आठ मेरा आया है दो बार, तो दो मिला से और उसकी बाल मात्रा हो गई दो। तो बस ये अभी हमारी डायरेक्शन यानी विलांचनों के साढ़े वर्तों का डेफिनेशन कर दिया, यानी इस प्रकार से किसी भी आंकड़ों का हम डेफिनेशन कर सकते हैं। नोट कर लीजिए या इसमें सब चलिए। अब बात करते हैं जैसे कोई आंकड़े दिए गए हो और उसका आंकड़ा वर्ग अनुक्रम कैसे बनाते हैं, जैसे आपने देखा होगा जीरो से पांच, छह से दस, ठीक है, और ग्यारह से पंद्रह, ठीक है, सोलह से बीस, इस तरीके से दिया गया होते हैं उनको हम वर्ग अनुक्रम, इनका इस अंतराल का इन वर्ग अनुक्रम का हम कैसे निर्माण करते हैं जब आपको रोड होता है, ठीक है, एंड इस प्रकार से लो डेटा दिया हो तब आप किस प्रकार से इन वर्ग अंतरालों को बना लो। जैसे मैं डेटा लिख देता हूं कोई वर्ग अंतराल लिख लेते हैं, जैसे कुछ रेशियो लिख देता हूं मैं तब आपको बताता हूं। छब्बीस, चौंतीस, छत्तीस, तैतालीस, अट्ठाईस और बाईस, छत्तीस के बाद सैंतीस, सैंतीस, चौतीस और सत्ताईस। ठीक, इसके बाद बात करते हैं छप्पन, तेईस, बयालीस, सैतालीस, बीस, अट्ठाईस, बावन, इक्कीस, दस, अठारह, इकतालीस, तीस, तीस और तीस के
पच्चीस, छब्बीस सत्रह पच्चीस। इसके बाद बात करते हैं चौतीस बाईस उनतालीस पैंतीस बाईस चालीस उनतीस अड़तालीस उनचास दो सौ अड़तालीस के बाद उन्नीस और अट्ठाईस उनतीस तीस तैतीस उनतीस तीस तैतीस पंद्रह। चलिए अब हमारे पास ये डेटा हो गया। अब इस डेटा को हम वर्ग अंतराल कैसे बनाते, इन दिए गए आंकड़ों को हम वर्ग अंतराल कैसे बनाते। सबसे पहले देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है। देखो सबसे बड़ा नंबर है इसके अंतर्गत 56 और सबसे छोटा है 10। ठीक है, तो वर्ग अंतराल निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इसके प्रसार की पता होना चाहिए। प्रसार यानी रेंज, ठीक है, प्रसार बोलते हैं रेंज यानी इस डेटा का विस्तार कितना है। ठीक है, यानी प्रसार कितना, जो मैं प्रसार की बात करता हूं रेंज की बात करता हूं, तो प्रसार निकालने के लिए हमेशा याद रखना उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा। ठीक, उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा, ठीक है, निम्नतम सीमा। उच्चतम सीमा मेरे पास है 56 और निम्नतम सीमा है 10, इसलिए मेरा रेंज आ जाएगा 46। अब देखिए अब मुझे चुनना पड़ता है वर्ग विस्तार, यानी मैं अपने वर्ग का विस्तार कितना करूं, ये हमारी चॉइस होती है। वर्ग विस्तार हम कितना भी ले लें, दो ले लें, पांच ले लें, चार ले लें, दस ले लें, ठीक है, बीस ले लें, इसका कोई नियम नहीं है कि कितना वर्ग विस्तार अधिक लेना चाहिए कितना न्यूनतम विस्तार, इसका इस तरीके से कोई नियम नहीं है। यानी सबसे पहले आंकड़े, आंकड़े के बाद हम पहले नंबर पर प्रसार निकालते हैं, प्रसार के बाद हम वर्ग विस्तार वर्ग विस्तार निर्धारित, ठीक है, वर्ग विस्तार हम कितना करना चाहते हैं वर्ग अंतराल का। जैसे मैं ये कहूं जीरो से पांच, ठीक है, जीरो जीरो से पांच, या इस तरीके से कहूं मैं एक से पांच, यानी एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच की बात कही, यानी इसे एक से लेकर पांच तक के वर्ग के बात कही, इसका एक से लेकर पांच तक ही इसमें वर्ग अंतराल है। ठीक है, अब इस तरीके से वर्ग विस्तार की बात करें तो ये जो है एक से लेकर पांच, यानी पांच का इसके बीच में विस्तार है, यानी पांच अंक के इस विस्तार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब विस्तार के अनुसार हमने वर्ग विस्तार जैसे निर्धारित कर लिया पांच, ठीक है, वर्ग विस्तार हमने निर्धारित कर लिया पांच, अब हमें ज्ञात करनी होगी वर्ग अंतरालों की संख्या। ठीक है, वर्ग अंतरालों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैं एक मिनट इधर लिख देता हूं, वर्ग अंतरालों की अंतरालों की संख्या, ठीक है, वर्ग अंतरालों की संख्या, वर्ग अंतरालों की संख्या बताते हैं कैसे होता है। इसका फॉर्मूला निकालने का होता है प्रसार यानी रेंज बटे वर्ग अंतराल का यानी वर्ग विस्तार, वर्ग विस्तार बटे वो वर्ग प्रसार बटे वर्ग विस्तार प्लस ई, ठीक है, यानी जो भी होगा वो वर्ग विस्तार मिला
एक हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं बात करता हूं देखिए इस तरीके से, यानी 46 मेरा प्रसार था 46, वर्ग विस्तार कितना है 5, मैंने कितना निर्धारित किया है 5, तो 5 प्लस 1, ठीक है, 5 का भाग दिया कितनी बार जाएगा, यानी 45 9.2 प्लस 1, यानी मेरे पास आएगा 10.2, यानी अगर ये 2 है, अगर ये 5 से अधिक होता तो मैं वर्ग विस्तार जो की संख्या होगी मेरी 11 हो जाती, अगर ये 5 से कम है इसलिए मेरे वर्ग विस्तार मेरे 10 है, यानी वर्ग विस्तार की जो संख्या आ गई मेरे पास, जो वर्ग विस्तार आ गई टोटल नंबर ऑफ 10 वर्ग विस्तार। अब देखिए वर्ग विस्तार बनाते कैसे, यानी 5 का वर्ग विस्तार लेना है और 10 मेरी निम्नतम संख्या आई है 56, ठीक है, तो अब किस प्रकार से हम वर्ग अंतराल बनाते हैं इस पर बात करते हैं। इसे मैं रफ कर दे रहा हूं, आप नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट। देखिए वर्ग विस्तार तो मैं यहां लिखता हूं सी आई, यानी इसको ही बोलते हैं वर्ग अंतराल, हमने वर्ग अंतराल जो डिसाइड किया है वर्ग अंतराल, ठीक। अब वर्ग अंतराल के बाद अगर आपको टेलीचिन के थ्रू बनाना है तो टेलीचिन भी लिख सकते हो, और डायरेक्टली आपको फ्रिक्वेंसी लिखनी है तो आप फ्रिक्वेंसी लिख सकते हो, ठीक है, यानी वर्ग अंतराल लिखने के लिए जैसे सी आई हो गया, सी आई के बाद मैंने वो डेटा बिटा दिया था, कोड पे दिक्कत आती है इस तरीके से, इतना कोड बड़ा नहीं है कि सारा डेटा एक साथ लिख दिया जाए, ठीक है, थोड़ा बड़ा भी लिखना पड़ता है आप लोगों को दिखाई नहीं देता इस चक्कर में, ठीक है, या मिलान चिन्ह में डायरेक्ट यहाँ फ्रिक्वेंसी लिख देता हूँ, ठीक है, मिलान चिन्ह तो आप समझ ही गए हो, वर्ग विस्तार के अंदर जैसे 1 से 5 तक का वर्ग विस्तार है, वर्ग अंतराल है 1 से 5 तक, इसके अंतर्गत कितने अंतराल है उनको ही, जैसे मैं आ रहा है 1 2 5, ठीक है, यानी इस वर्ग अंतराल तक 1 2 5 यानी 3 अंक है, मेरा मिलान चिन्ह कितने हो जाएंगे 3, ठीक है, उसके बाद आगे काम करेंगे, तो इस प्रकार से जो वर्ग अंतराल बनता है उसकी बात करते हैं, तो मैं डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं, पहले हम वर्ग अंतराल बनाते हैं जैसे 10 से 14, देखिए 10 11 12 13 14, यानी 10 से 14 की बात कर रहे हैं, 10 से 14 यानी 10 10 11 12 13 14, यानी 5 की बात, 5 हो गए 10 11 12 13 14, यानी 5, यानी 10 से 14 5 का ही विस्तार हमने लिया था, आपने देखा पीछे आपने नोट किया होगा कि पहले विस्तार हमने कितना लिया था 5, तो 5 चल रहे, फिर आप 15 से 19, फिर 20 से 24, फिर 25 से 29, फिर 30 से 34, फिर 35 से 39, फिर 40 से, ठीक है, 44, 40 से 44 और 45 से 49 और 50 से 54 और 59, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही मेरे वर्ग अंतरालों की संख्या है कि 10, यानी 10 चल रही है। अब इनमें हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं, जैसे स्टार्ट करते हैं 10 से 14, 10 से 14 तक में देखते हैं कि कितने संख्या आई है 10 से 14 के बीच में, 10 से 14 के बीच में आई है 1 नंबर, तो
ये लिख लीजिए। चलो मैं आपको मिलान चिन्ह भी बता दे रहा हूं, मिलान ठीक है, 10 से 14 के बीच में मात्र 10 ही नंबर आया है और कुछ नहीं आया है, इसलिए 10 से 14 तक की जो मिलान चिन्ह होगा ए। मिलान चिन्ह के बाद हम यहां लगाएंगे एफ यानी 12 नंबर ठीक है। उसके बाद 15 से 19 के बीच में आई है 7 अंक, 15 से 19 आप काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है, 7 है, और 20 से 24 के बीच में भी 7 है ठीक। तो 20 से 24 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है, 25 से 29 के बीच में 10 है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी 9 10 हो गया ठीक है, 5 5। और 30 से 34 के बीच में 8 है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 ठीक है, ये हो गया मेरा 30 से 34 के बीच में। अब 35 से 39 के बीच में 7 है, तो 1 2 3 4 5 1 2 और 40 से 44 के बीच में 4 है, तो 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4। 45 से 49 के बीच में 4 है, तो 1 2 3 4 ठीक है। 50 से 54 के बीच में 4 है, 50 से 54 के बीच में 4 है और 55 आ गया, मैंने गलती कर दिया, और 50 से 54 के बीच में 1 है और 55 से 59 के बीच में भी 1 है। इनकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई यानी 1 1 4 4 7 8 10 7 7 1, ये इनकी फ्रीक्वेंसी हो गई, यानी इस तरीके से बर्ग अंतराल की दूरी बढ़ा सकते हैं। एक बार फिर से समझाता हूं मैं, यानी दिए गए आंकड़े जो मैंने आंकड़ा आपको दिया है, सबसे पहले रो मटेरियल उसको अगर व्यवस्थित क्रम में तो व्यवस्थित क्रम में जमा लीजिए, उसके बाद उसका प्रसार निकालेंगे, प्रसार निकालते समय हमें हाईएस्ट सीमा से लोएस्ट सीमा को माइनस करना पड़ता है, यानी रेंज निकालने के लिए उस दिए गए